हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की पुस्तक आरोह भाग 1 का पहला पाठ पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ नमक का दरोगा। ये कहानी बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की लिखी हुई। यूँ तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं और सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। कभी आपको मौका मिले तो अपनी लाइब्रेरी में जा कर के ज़रूर पढ़िएगा। और आजकल तो लाइब्रेरी की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, आजकल आपके मोबाइल में आपकी लाइब्रेरी है। जब मौका मिले तो उनकी कहानियाँ पढ़िए। चलिए, पाठ देखने से पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय, जीवन परिचय उनका क्या था। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गाँव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उनमें बचपन की कमी में बीता, उनका बचपन जो था वो कमियों में बीता, मतलब घर में गरीबी रही होगी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अभी मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। किस तरह से दिया? उन्होंने अपनी लेखनी से दिया। एक कवि जो है बच्चों, वो भी वो फौज की में जो है वो बॉर्डर पर नहीं जाता, लेकिन उसकी कलम ही जो है वो उसकी तलवार, उसका हथियार होता है, और अपनी कलम से वो आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उन जीवंतता में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। अब जो उनकी लड़ाई थी, उनका जो आंदोलन था, वो उनके सामाजिक और जो सामाजिक संघर्ष था, जो समाज में वो संघर्ष कर रहे थे, वो सब उनकी लेखनी में उतर कर आ गया। मतलब आप जब उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता संग्राम का इसमें कोई रूप देखने को मिलेगा, या जो समाज में उन्होंने संघर्ष किया। हमारे समाज में आज भी बहुत कुरीतियाँ हैं और आज़ादी से पहले तो बहुत सी कुरीतियाँ थी जिनको कि लोग झेल रहे थे, तो वो सब उस आपको उनकी लेखनी में देखने को मिलेगा। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, यानी जब आप कहानी कविताएं पढ़ते हैं तो आपको जिस समय वो कहानी कविता लिखी होगी उस समय की आपको बातें देखने को मिलेंगी। जैसे बच्चों आज का जो समय था, आज का नहीं और 6 महीने साल भर पहले अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि कोई कहानी लिखो तो वो क्या करेगा, वो कोरोना पे लिखेगा, है ना, सैनिटाइजर की बात करेगा और ये महामारी की बात करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग सब एक महामारी से लड़ रहे थे। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है जिसमें साहित्य में वही देखने को मिलता है जो कुछ समाज में चल रहा होता है, और ये कोई सोच कर नहीं करता बच्चों। दर्पण मतलब मिरर है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, वो आता ही आता है। हमारे पिछले साल के बच्चे इस कोरोना के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, अंधकार था आंखों के आगे कि पता नहीं जीवन क्या होगा, अंधेरा ही होगा। तो उस समय अगर कोई कवि भी लिखता तो शायद इसी पर लिखता कि जीवन एकदम नश्वर है, बेकार है, किस दिन कितने घर बर्बाद हो गए कोरोना महामारी में। तो लोगों के अंदर दुख थी, तकलीफ थी, तो शायद उस समय का साहित्य भी ऐसा ही रहा हो। साहित्य समाज का दर्पण है तो उसका दूसरा उदाहरण है कि कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ प्रेरित हुए और कितना अधिक इसका फैलाव प्रसार हो गया कि नौकरियां भी, ज्यादातर नौकरियां सब ऑनलाइन हो गई, रिमोट जॉब्स हो गए। चलिए हम अपनी बात करते हैं कि प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने अपने साहित्य में भी इसका वर्णन किया। अभी उनके जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। अब जो उनका जो साहित्य था उसमें जीवन का यथार्थ, यथार्थ मतलब सच्चाई, उनके साहित्य में जीवन की सच्चाइयाँ भी थी और आदर्श भी था। उनके साहित्य को कहा जाता है आदर्शो उन्मुख यथार्थ, यानी आदर्श की तरफ उन्मुख, मतलब उसकी तरफ मुंह करे हुए सच्चाई। सच्चाई तो थी लेकिन आदर्श भी था। और इनका निधन 1936 में हुआ। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, बहुत से कहानियाँ लिखी, बहुत से उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, करबला संग्राम, प्रेम की देवी, शब्द संग्रह लिखे, कुछ विचार, विविध प्रेस। और इनके साहित्य को की मुख्य विशेषता क्या बताई जाती है? आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद। तो बच्चों आगे पढ़ने से पहले अब हम पाठ में जो पीछे सारांश दिया है उसको एक बार देखते हैं। आखिरी पंक्तियाँ बच्चों, 4-5 आखिरी पंक्तियाँ अपनी देखिए, पेज नंबर 5 की।
उसमें लेखक कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्ते और अकेले पर जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। जिस प्रकार से जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु निहत्ता हो गया था और अकेला पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे, उसने कोई छल कपट नहीं किया था। तो यहाँ भी जो मुंशी वंशीधर था वो अकेला पड़ गया क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहा था और वो निहत्ता था। उसके पास और कोई हथियार, कोई धन दौलत, कोई घूस जैसी बात नहीं थी उसके पास। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करते करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती कि वंशीधर का जो निराशा थी उस पे कहानी खत्म होती, तो दुनिया को क्या, समाज को क्या संदेश मिलता कि मतलब जो अगर सच है, सच बोलोगे तो तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। तो प्रेमचंद जी इस तरह के नहीं थे, उनकी कहानियों में हमको आदर्श देखने को मिलता है। ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से इसका हमारा विश्वास उठ जाता। अगर वो यहाँ खत्म कर देते तो मानव के जो चरित्र का गुण है उस पर हमारा विश्वास खत्म हो जाता। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ हुआ, और इसीलिए उन्होंने जो कहानी का अंत किया वो कैसे किया, सत्य की जीत के साथ, कि अंत में सत्य ही जीता। आपने फिल्में भी देखी होंगी तो फिल्मों में भी कुछ फिल्में जो है वो बड़ी एब्रप्ट समाप्त हो जाती है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं कोई मैसेज लिए हुए पिक्चरें होती हैं। जो मैसेज के साथ वाली पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं और ज़्यादा हमारे दिल को छूती। बच्चों, आप लोग कहानी की रीडिंग लाइन बाय लाइन जरूर करिएगा। वीडियो में अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं। वैसे मुझे पसंद है लाइन बाय लाइन पढ़ाना, पर यहाँ हम सारांश पढ़ रहे हैं। सारांश देखिए, इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है। अभी जो नमक निरीक्षक, जो गुजरात में जब नमक बनता है जहाँ पर, वहाँ पर एक कोई ऐसा डिप्यूट किया जाता है आदमी जो निरीक्षण करता है, तो उस कहानी उसके बारे में निरीक्षक की कहानी है जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, जहाँ पर काला धंधा होता है, मतलब गलत व्यापार होता है, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है, धन के ऊपर धर्म की जीत है, यानी धन जो है उसके ऊपर धर्म जीत गया। धर्म बड़ा है हमेशा धन से, इस कहानी में यह बताया गया। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया। अभी यहाँ पर हमारा जो मानव मूल्य है उसको दिखाया गया और उसको सम्मान प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं दिखाया कि नहीं नहीं धन जीत गया, जिसके पास ज्यादा पैसा वही जीतेगा, है ना, ऐसा नहीं दिखाया गया। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है, और ये भी बताया गया कि हमारे विश्व में ये सब अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती है आजकल सत्यनिष्ठा। लोग सत्य बोलें, धर्म पर चलें, कर्मपरायणता, अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ऐसे गुण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अंत में ये शिक्षा दी गई कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। कोई कितना भी बेईमान हो, लेकिन अपने जो अंडर में जब नौकर रखता है, सर्वेंट रखता है, तो उसका क्या गुण देखता है कि वो ईमानदार हो। खुद आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो ईमानदार चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाले बेईमानी करेंगे तो ऊपर मालिक को भी नुकसान होगा। तो मालिक हमेशा चाहता है कि हमारे नौकर जो हैं वो ईमानदारी करें, भले मालिक कितना भी बेईमान हो। तो ये सब संदेश लेकर के ये कहानी है। कहानी आज़ादी से पहले की है, अभी ये आज़ादी से पहले की बात है। नमक का नया विभाग बना, अभी नमक डिपार्टमेंट जो था वो नमक का नया विभाग बना सरकार में। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। अभी इसमें आपकी एक पंक्ति है, ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त चीज़ का मतलब क्या है? जो ईश्वर द्वारा दी गई हो। नमक जो है वो इंसान ने नहीं बनाया, नमक भगवान ने बनाया है। समुद्र का पानी होता है, उसमें नमक मिला होता है, वहाँ नमक की खेती की जाती है। गुजरात में नमक को नीचे छिछली जगह पर स्टोर कर लेते हैं और धूप की रोशनी में पानी सूख जाता है, नमक बच जाता है, और उसके नमक को डले बन जाते हैं, उनको निकाल करके फिर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में डाल करके शुद्ध किया जाता है। आयोडीन वगैरह कुछ उसमें मिनरल्स मिलाए जाते हैं और पैकेजिंग करके बेच दिया जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, नमक ऐसी चीज़ है कि सबको ज़रूरत है इसकी, तो इसकी कालाबाजारी बहुत होती है, और इस विभाग में ऊपरी कमाई है, यानी ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा है, रिश्वत लेने का।
उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। अभी जो ये आज़ादी के पहले का समय है बच्चों, उस समय फारसी का बोलबाला था क्योंकि अंग्रेजों से पहले मुगल हमारे देश में थे, मुगलों का शासन था। तो मुगलों के समय में उर्दू और फारसी जो थी वो हमारे यहाँ प्रचलन में थी, हमारी हिंदी को शुरू से दबाया गया। तो उस समय अंग्रेजों सारे कागज पत्तर जो सरकारी काम होते थे वो उर्दू में होते थे, फारसी में होते थे, तो उन लोगों को बड़ी फटाफट नौकरियां मिल जाती थी जिनको थोड़ी सी भी फारसी पढ़नी आती थी, और ऐसे लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी थी, इन्होंने भी फारसी पढ़ी थी। अब मुंशी वंशीधर इसका मुख्य चरित्र है और रोजगार की खोज में निकल पड़े। अब ये रोजगार की अपने रोजगार करने के लिए नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। अभी जब ये वहाँ पहुँचे तो उनके घर की जो आर्थिक दशा थी वो थोड़ी खराब, लड़कियाँ थीं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही थी। अभी इसमें एक वाक्य आता है कि उनके पिताजी कहते हैं जाओ नौकरी ढूंढो, लड़कियाँ जो है वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। घास फूस जो अनवांटेड घास होती है वो कैसे होती है, उसको पानी दो नहीं दो वो बढ़ती चली जा रही हैं, चली जाती हैं, अंत में उनको निकाल के फेंका जाता है। तो यहाँ पर समय देखिए बच्चों कि उस समय लड़कियों की क्या दशा थी। लोग लड़कियों को घास फूस समझा करते थे कि ये तो पैदा जिस घर में लड़की पैदा हो गई बड़ी हो जाएगी, अब उसकी शादी करनी पड़ेगी, मैं दहेज देना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं हैं। तो यहाँ लड़कियों की तुलना किससे की गई, घास फूस से। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें समझाया, कहा मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अभी यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वाक्य देख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वो नौकरी ढूंढने निकले तो पिता जो मुंशी जी थे, बूढ़े मुंशी जी, उन्होंने समझाया देखो बेटा मासिक वेतन महीने की जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो कैसी होती है, पूर्णमासी के चांद की तरह होती है। पूर्णमासी पर चांद पूरा होता है, फुल मून, और धीरे 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 वो घट करके एक लाइन बच जाता है। तो और ऐसे ही सैलरी के साथ होता है, जब पहले दिन जिस दिन 30 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, उस दिन तो पापा के पास बहुत ताकत होती है, अरे बहुत है, लेकिन दूध वाले का खर्चा, काम वाली का बिल, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, सब्जी भाजी अनाज यूनिफॉर्म लाते 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 15 दिन के अंदर ही सैलरी जो है वो आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाती है। जैसे कि चांद घटते घटते कृष्ण पक्ष में आते आते एकदम गायब हो जाता है, 15 दिन बाद सैलरी भी गायब हो जाती, फिर बाकी के 15 दिन इस इंतजार में गुजारने पड़ते हैं कि अभी रुक जाओ, अगले महीने जब सैलरी मिलेगी तब हम ये काम कर देंगे। ये हर घर की कहानी है बच्चों, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं जिनके जो तनख्वाहों पर जीवन गुजारते हैं उनके हर घर की कहानी है। तो पिता ने कहा कि मासिक वेतन जो है वो पूर्णमासी के चांद की तरह है जो एक दिन घटते घटते दिखाई नहीं देता और लुप्त हो जाता है, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। अब ये बात क्यों कही, उन्होंने कहा देखो बेटा जो मासिक तनख्वाह होती है वो तो खत्म हो जाती है, तो तुम ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की कमाई हो, ऊपर की कमाई रिश्वत मिलती हो, एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट मिलता हो तुमको, और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। अब उन्होंने ये भी कहा कि देखो आदमी देखना और अवसर देखना, अगर ठीक ठाक आदमी है, पैसे वाला और अवसर है, मौका है, तो मौका चूकना मत, तुम घूस जरूर ले लेना। मतलब वैसे तो अगर हम आदर्श की बात करें तो एक पिता, एक माता पिता या कोई बड़ा हमारे कभी हमें गलत काम करने की शिक्षा नहीं देते, लेकिन बच्चों परिस्थितियां ऐसी थी, समाज ऐसा था कि उस समय सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह होती है वो बहुत कम होती है, उस तनख्वाह में काम हमारा नहीं चलता। तो पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा घूस ले लेना, मौका देखना, आदमी देखना, और अगर घूस देने से मना मत करना, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रखना। ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता ने समझाया बेटा देखो नौकरी की पोस्ट पर ध्यान मत देना, कौन सी पोस्ट, अभी कलेक्टर बन जाओ तो ज्यादा बड़ी पोस्ट है, लेकिन नमक का दरोगा की जो पोस्ट है वो कैसी है, उसमें रिश्वत मिल सकती है ज्यादा, तो ऊंची पोस्ट पे मत जाना, पोस्ट वो लेना जिस पर चढ़ावा अच्छा आता हो, जहां पर रिश्वत तुम्हें अच्छी मिलती हो। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ये पीर का मजार है, पीर का मजार आपने देखा होगा जगह जगह पर कुछ मजार बनी होती है, वहां पे लोग फूलों की चादर चढ़ाते हैं मुसलमानों में और उनके ऊपर पैसे चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे पर रखना, कितना आ रहा है रिश्वत, ऊपरी कमाई कितनी आ रही है, उस पर ध्यान रखना, पोस्ट के पीछे मत भागना। मान लीजिए किसी को नमक का दरोगा की पोस्ट मिल जाए और उसको कोई बड़े ऑफिसर की पोस्ट दी जाए, तो मुंशी जी के अनुसार हमको नमक का दरोगा की पोस्ट करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पर रिश्वत ज्यादा है। तो ऐसा समझाया पिता ने, परंतु ये क्यों समझाया, क्योंकि उस समय समाज में स्थिति ऐसी ही चल रही थी और सरकारी नौकरी में पैसे कम मिलते हैं, घर में लड़कियां थीं
उनके खर्चे नहीं निकलते थे, तो इसलिए पिता ने अपने बेटे को ये बात समझाई। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही उनका सहायक था। अभी मुंशी वंशीधर जो थे उनके क्या गुण हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उनके चारित्रिक गुणों के बारे में लिखिए, तो वो कैसे थे? वो धैर्यवान मनुष्य थे, धैर्य उनका मित्र था, मतलब धैर्य से उन्होंने दोस्ती कर रखी थी। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी बुद्धि से काम करते थे और उनकी बुद्धि उनको रास्ता दिखाती थी, पथ प्रदर्शक यानी पथ दिखाने का काम करती थी। और आत्मालंबन ही अपना सहायक था, आत्मालंबन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था, आत्मा का आलंबन जो था, वही उनके उनकी सहायता करता था, मदद करता था। सबके साथ होता है बच्चों, हमें अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो अपनी बुद्धि से अगर आप काम करेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे, तो आपको रास्ता सही दिखेगा। और धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य छोड़ दिया और काम करने लगे तो आप नुकसान में रहेंगे। आत्मालंबन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे जरूरी है किसी भी काम को करने चले। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है। अभी इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, नमक विभाग में दरोगा की नौकरी इनको मिल गई। इसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। अभी वेतन भी अच्छा था और ऊपरी कमाई भी बहुत थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए, पिताजी बहुत खुश। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्य कुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। अभी मुंशी वंशीधर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनका जो कार्यकुशलता थी और उनका आचरण, उनका करेक्टर, उनका काम करने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा था, तो इनके अधिकारी लोग बहुत। जाड़े का समय, अब किसी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है कि जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। ये रात में सो रहे थे अपने दफ्तर में, उनके दफ्तर से एक मील पहले यमुना नदी थी जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। अभी उनके दफ्तर से थोड़ी दूर पर नदी बहती थी, यमुना नदी, वहां पर एक पुल था। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों के कोलाहल से उनकी नींद खुली। अचानक इनको कुछ शोर सुनाई दिया और इनकी आंख खुल गई। बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। अभी पहले के समय में दरोगाओं के पास पिस्तल होती थी, बंदूक, तो बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब बंदूक चलाने का गुण। तो इन्होंने अपनी बंदूक को जेब में रखा और ये फटाफट वहां से घोड़े पे बैठ के चले। ये कहां से शोर आ रहा है? वहां देखा तो वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। देखा कि एक लंबी कतार मतलब लाइन बना करके एक के पीछे एक बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलोपी दिन की। उन्होंने पूछा किसकी है, तो कहा अच्छा वो पंडित अलोपी दिन। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अभी तर्क जो रीजन दिया लोगों ने, किसकी गाड़ियां, अलोपी दिन की। और भ्रम, इनको मन में भ्रम हुआ सोते सोते, क्या कुछ आवाज आ रही है, कुछ शोर सा आ रहा है, तो इनके तर्क ने इनके भ्रम को पुष्ट कर दिया, यानी अब बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अच्छा हाँ वाकई गाड़ियों का शोर आ रहा था। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। अब ये चौंक गए, पंडित अलोपी दिन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अब जो पंडित अलोपी दिन थे वो उस मोहल्ले के, उस इलाके के, अभी पंडित अलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अभी वंशीधर जी चौंक गए, उन्होंने सोचा ये तो इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, ये ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में गाड़ियों में ले जाकर के नमक लेकर जा रहे हैं। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो चलते पुरजे आदमी, चलते पुरजे मतलब बहुत चालाक किस्म के आदमी हैं वो। लाखों रुपए का व्यापार था उनका। वंशीधर ने जब जांच करी तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। अब जैसे ही उन्होंने जांच करी, मतलब चेक किया जाकर के, उन्होंने जांच करी तो जाकर देखा कि उसमें बोरियां खोली तो उसमें नमक के ढेले मिले, नमक के बड़े बड़े ढेले थे। पंडित जी को यह बात पता चली तो वे अपने धन पर विश्वास करने वाले अलोपी दीन ने सोचा न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं जिसे वह जैसे चाहती है नचाती है। अभी पंडित जी की यह बात जब अलोपी दिन को खबर मिली कि पंडित मुंशीधर ने जो है वो आपकी गाड़ियां रोक ली, तो वो आराम से सोए हुए थे। उन्होंने सोचा अरे छोड़ो, न्याय और नीति जो है वो सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, जिसे चाहती है जैसे चाहती है नचाती है। तो वो आराम से बोले अच्छा हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो मैं आता हूँ। तो उनके मन में क्या भाव था? उनके मन में था कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा लक्ष्मी, यानी मेरे पास जो लक्ष्मी है उसकी ताकत बहुत है। लक्ष्मी यानी धन, धन की क्या ताकत होती है? जिसको चाहती है जैसे चाहती है नचाती है। अगर हम किसी को घूस दे करके जो चाहे वो काम करा ले, आजकल तो जमाना ही इसी का है। आपने देखा होगा फिल्मों में, तो देखा ही होगा कि लोग झूठे गवाह ले आते हैं, बेमतलब के पैसे दे करके लोगों से गलत गवाही दिलवा करके निर्णय गलत हो जाते हैं। जो निष्पक्ष लोग हैं जिनका कि कोई कसूर ही नहीं होता, वो आदमी को सजा हो जाती है और जो वाकई गुनहगार होता है वो बच जाता है।
तो उनके मन में एक बहुत बड़ा विश्वास था कि लक्ष्मी है मेरे पास। तो उन्होंने सोचा न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी लक्ष्मी के खिलौने हैं न्याय और नीति। न्याय मतलब हम आराम से किसी न्याय को खरीद सकते हैं, और नीति मतलब नियम कानून को भी लक्ष्मी से खरीद लेंगे हम। वंशीधर के पास वो पहुंचे और उनसे गाड़ियां रोकने के बारे में पूछा। अब उन्होंने जाकर के वंशीधर से पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने के लिए कहा। अब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रिश्वत देता हूं, तो मेरी गाड़ियां छोड़ दो। परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, अडिग मतलब पक्के जमे रहे। उन्होंने कहा ना, मेरा कर्तव्य है गलत काम को रोकना, मैं आपको रोकूंगा, और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अब मुंशी वंशीधर जी ने, दरोगा जी ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। अभी आलोपी दीन जो है वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कितना उद्दंड लड़का है। अब उनको लगा बड़ा जिद्दी लड़का है, उद्दंड मतलब जिद्दी लड़का है, मैं इसको पैसे देने की बात कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं छोड़ रहा। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर ने ना माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग बातें बनाने लगे। अभी लोगों में तो बड़ी कानाफूसी हो गई कि अरे उलोपी दीन जो है वो गिरफ्तार हो गए, वो जो वंशीधर नया नया दरोगा आया है ना, उसने हमारे जमींदार साहब को गिरफ्तार कर लिया। अभी आलोपी दीन बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, इसलिए नहीं बल्कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य किसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। अभी लोगों में जो कानाफूसी हुई वो इसलिए नहीं हुई कि आलोपी दीन ने ये कर्म क्यों किया, मतलब आलोपी दीन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा काम क्यों किया, ये बात के लिए लोग कानाफूसी नहीं कर रहे थे, बातें नहीं बना रहे थे। किस बात की बात बना रहे थे कि जिसके पास इतना पैसा असाध्य धन जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, और बोलना वाचालता मतलब वाक्पटुता चतुरता है बोलने की, वाचालता मतलब जो खूब बोलने बात करने वाला है, जिसके इतने कॉन्टैक्ट हैं इतना पैसा है, वो कैसे पंजे में आ गया कानून के, उसको कैसे पकड़ लिया। आदमी हमारी दुनिया भी तो देखिए, दुनिया भी किस बात का साथ दे रही थी कि पैसे वाले के पास होते हुए वो कैसे पकड़ में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। किससे सहानुभूति, आलोपी दीन से। वंशीधर के साथ सहानुभूति नहीं थी लोगों की, जबकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। पर ये हमारा समाज भी भ्रष्ट समाज है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, खबर फैल गई। अभी ये जो वाक्य है इस पर भी प्रश्न आता है कि दुनिया सोती थी परंतु दुनिया की जीभ जागती थी, मतलब दुनिया सो रही थी मतलब रात का समय था, रात में उठ के गए थे तो वो सोने का समय था, लेकिन मनुष्य की जीभ जो है वो जाग रही थी, यानी बातों ही बातों से लोगों के पास सारे में खबर फैल गई। लोगों की जीभ जो थी वो जाग रही थी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास ये बात फैल गई। खबर जो है वो आग की तरह सब जगह फैल गई कि दरोगा वंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार। अगले दिन ये खबर हर तरफ फैल गई। पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और शोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुक गई। अभी उनको पकड़ करके अदालत में लाया गया, अपना सर झुकाए हुए थे। उनको शोभ यानी गुस्सा भी आ रहा था, लज्जा शर्म भी आ रही थी, ग्लानि मन में थोड़ी सी गिल्टी भी थी, उससे उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आए। अब सबको इतना आश्चर्य, पंडित जी कैसे पकड़ में आ गए पुलिस की, ये कैसे नहीं बच पाए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। अब जितने भी गवाह थे और जितने भी वकील थे वो सब पंडित जी के पक्ष में थे, सब उनकी तरफ से बोल रहे थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। वंशीधर के पास क्या था, ना तो इनके पास वकील थे, ना लोग इनकी तरफ थे, ना पैसा था इनके पास। इनके पास क्या था, केवल सत्य का मजबूती थी बल था। और न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठंड गया। अभी न्याय का मैदान यानी न्याय जो न्यायालय था यानी कोर्ट में धर्म और धन में युद्ध ठंड गया। किसके बीच में, दो चीजों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, धर्म और धन। धर्म किसके साथ था, मुंशी वंशीधर के साथ, और धन किसके पास था, आलोपी दीन के पास। अब आलोपी दीन और वंशीधर के बीच में युद्ध ठंड गया। न्याय, ये पंक्ति पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। अभी न्याय की अदालत में पक्षपात, पक्षपात यानी पार्शियलिटी। अभी दोनों के साथ जो है वो पार्शियलिटी यानी पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। अभी धन भी आलोपी दीन के पास था, वकील भी धन आलोपी दीन की तरफ थे, लोग भी आलोपी दीन की तरफ थे, तो मुकदमा समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। अब कोई सबूत भी नहीं था, सबूत कहाँ से आता, किसी ने गवाही नहीं दी उनके खिलाफ में, सब तो उनके साथ थे, तो सबूतों के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया। अभी अदालत ने दुख किस बात पर जताया, इस बात पर नहीं कि आलोपी दीन ने गलत काम किया, उन्होंने वंशीधर के लिए दुख जताया और कहा कि बहुत उद्दंड है यानी ढीठ है और विचारहीनता यानी तुमने जो कुछ किया सोच समझ के नहीं किया। उनके बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। और क्या निर्णय दिया गया कि तुमने ये गलत काम किया, बिना सोचे समझे किया, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अदालत में ले आए, तुमने उनके सम्मान की हानि करी,
तो तुमको निर्णय दिया जाता है कि आगे से ऐसा आप ना करें, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही ना करें, अदालत आपको वार्न करती है, इस तरह का निर्णय दिया गया। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया, और कहा गया भविष्य में ध्यान रखना। पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर आए, अंडोपी दिन जो थे वो नक्शे में अपने बाहर निकले हंसते हुए। रुपए बांटे, अब लोगों को रुपए बांटे, किसको रुपए बांटे होंगे, जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी, जिन्होंने उनके पक्ष में गवाही दे दी उनको सबको रुपए बांटे। वंशीधर को व्यंग बाणों को सहना पड़ा, और व्यंग लोग किस पे कर रहे थे, टॉन्ट किस पे कर रहे थे, वंशीधर पर लोग, उनको क्या सहना पड़ा, व्यंग सहना पड़ा। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला। पंक्ति देखिए, एक ही वीक बीता था, कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य के साथ निष्ठा करने पर वंशीधर को दंड मिला। कितना उल्टा समाज है हमारा कि कोई अच्छा करता है तो उसको दंड मिलता है। क्या दंड मिला, नौकरी से हटा दिया गया, उनको उनकी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, उनको वहां से हटा दिया गया। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अभी क्या गलती करी थी, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी बुराई ले ली थी, लड़ाई ले ली थी। किससे लड़ाई कर ली, धन से। धन से लड़ाई, अगर दोस्ती कर रहे थे, धन ले लेते तो बच जाते, लेकिन उन्होंने धन से लड़ाई ले ली थी। पराजित हृदय, शोक और खेत से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। अब वो हार करके दुखी होकर के अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बात सुनाई। अब घर पहुंचे तो पिताजी गुस्से में, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। बोले, ऐसी समझ का क्या फायदा, ऐसी बुद्धि का, सारा पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इतना तुमको समझाया, इतना पढ़ाया, तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुमने धन के से बैर ले लिया, युद्ध ठान लिया। धन से, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, और उन धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। जो धन था उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया, यानी पैसे ने धर्म को कुचल दिया। पैसे की इतनी ज्यादा ताकत है कि सच्चाई जो थी उसके पैरों के तले नीचे दब के रह गई। और उन्होंने नाराजगी दिखाई पिता ने, वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ, जो उनकी माँ बूढ़ी थी उनको भी बहुत दुख हुआ कि हाय मेरे बेटे की तो नौकरी चली गई, अब पैसे कहाँ से आएंगे और बेटियों की शादी कैसे होगी, माँ को तो इस बात का दुख हुआ होगा। पत्नी ने कई दिन तक सीधे मुंह बात नहीं करी। अभी बीवी जो थी वो भी नाराज कि अच्छा खासा नौकरी थी, रिश्वत मिलती थी, पैसा मिलता था, तुम तो नौकरी छोड़ के आ गए। नौकरी से भी मुअत्तली का परवाना आ गया, और मुअत्तली का परवाना यानी नौकरी से इस्तीफा देने की बात आ गई कि आप नौकरी छोड़िए। एक सप्ताह बीत गया, अभी नौकरी छूटे हुए भी एक सप्ताह बीत गया था। संध्या का समय था, शाम का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े वंशी जी मुंशी जी नाम नाम जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ रथ आकर रुका, एक सजा हुआ सुंदर सा रथ जैसा एक रुका आकर के। पिता ने देखा पंडित अलोपी दीन है, उसमें कौन बैठा था, पंडित अलोपी दीन। झुक कर उन्हें दंडवत किया, दंडवत मतलब साक्षात प्रणाम किया, उन्होंने झुक करके उन्हें प्रणाम किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। चापलूसी मक्खन लगाने के लिए है ना, बटरिंग करने के लिए, पॉलिश करने के लिए उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसा, मतलब बेटे के लिए बुरा और अलोपी दीन के लिए अच्छा अच्छा पिताजी बोलने लगे। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। अभी पंडित जो अलोपी दिन थे उन्होंने इनके पिता को कहा कि मैंने ऐसे बहुत से अधिकारी देखे और बहुतों को मैंने अपने धन का और अपने बल का गुलाम बना लिया है, मतलब मेरे अंडर में काम करते हैं ऐसे सारे लोग। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया। अब अलोपी दिन ने इनके पिता को कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी सच्चाई से मुझे हरा दिया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। अभी वंशीधर जो थे वो भी आए और उन्होंने उनको सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और घर में लेकर आए, क्योंकि वंशीधर किसी का सम्मान करने का उनका भाव नहीं था, वो तो अपने कर्तव्य पर जुड़े थे कि गलत काम को नहीं आगे जाने दे। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं। अब उनको लगा कि ये तो अलोपी दीन इसलिए आए हैं कि मेरी बेइज्जती करेंगे आकर। परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया। मन का मैल मिटना मुहावरा है, यानी उनके मन से सारी बुराई जो थी वो समाप्त हो गई। और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी उदारता से बात कही। क्या कही, उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। अभी अलोपी दिन से उन्होंने कहा आप जो कहेंगे मैं वो काम करने को तैयार हूँ। इस बात पर पंडित जी ने स्टैंप लगा हुआ एक पत्र निकाला और तब उन्होंने एक स्टैंप लगा हुआ यानी सरकारी टिकट लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला और कहा कि हमारी ये रिक्वेस्ट को स्वीकार करो। क्या रिक्वेस्ट थी, नौकरी की। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। अभी जो वो कागज था उस पर लिखा था कि तुम मेरे मैनेजर पद को स्वीकार कर लो, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसके तुम स्थायी यानी परमानेंट मैनेजर बन जाओ। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता एहसान से, कृतज्ञता। और इसका विलोम बच्चों आपसे पूछा जाता है, कृतज्ञता का होता है कृतघ्नता,
इसका विलोम होता है। कभी कभी विलोम शब्द भी आपसे पैराग्राफ देके पूछे जाते हैं। तो एहसान के तले दब करके अंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बहुत उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी और आज आलोपी दीन जिसकी वजह से बेइज्जती हुई वो मुझे नौकरी देने आया और अपनी सारी जायदाद का मैनेजर बना दिया। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं। अभी वंशीधर ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। तो पंडित जी ने कहा हाँ हाँ चिंता मत करो, मुझे एक अयोग्य व्यक्ति, तुम योग्य नहीं हो कोई बात नहीं, हमें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए है। वंशीधर ने कहा उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने कहा वंशीधर को कलम देते हुए, कलम मतलब पेन देते हुए कहा मुझे विद्वान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास बुद्धि नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई विद्वान आदमी ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए, धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजर की कागज पर दस्तखत कर दिया। उनका हाथ कांपने लगा कि इतना बड़ा काम मिल गया। कहा तो छोटी सी दरोगा की नौकरी थी, आज इतना बड़ा काम मिल गया और सम्मान के साथ। तो उनके हाथ कांपे, फिर भी उन्होंने उस पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया और आलोपी दीन ने वंशीधर को गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया, क्योंकि इतना कर्तव्यनिष्ठ, इतना धर्मपरायण, इतना ईमानदार आदमी शायद उनको और कहीं नहीं मिलता। वो खुद कालाबाजारी करते थे लेकिन उनको अपना अधिकारी कैसा चाहिए था जो कि ईमानदारी से काम करे। और उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित किया। अदालत में जरूर वो जीत के आ गए लेकिन उन्होंने उनकी ईमानदारी को खाली नहीं जाने दिया। और यहाँ पर यही संदेश है कि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, हम ईमानदार हैं, हम सच्चाई पर चलते हैं, तो ईश्वर और दुनिया हमारी सच्चाई को कभी ना कभी समझती जरूर है। एक बार हो सकता है हमें पूरा हमारा फल ना मिले लेकिन कभी ना कभी हमारी सच्चाई को हमारा परिणाम पुरस्कार जरूर मिलता है। और यहाँ उनकी सच्चाई को पुरस्कार मिला नौकरी के रूप में। तो बच्चों कहानी आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी है। अब इस पे जो इम्पॉर्टेंट वाक्य मैंने इसमें अंडरलाइन करे हैं उस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ मैंने जितनी भी मुख्य वाक्य थे उनको समझाने की कोशिश करी है। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और दोबारा हम प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में इन पंक्तियों को फिर से समझेंगे। तो अपने पढ़ाई जारी रखिए बच्चों। शुरुआत से आपका अभी 11th क्लास है, आपको 12th बोर्ड देना है, तो बच्चों पहले दिन से तैयारी करिए। मैं और विषयों की भी बात कर रही हूँ पर हिंदी की बात खास तौर से कर रही हूँ कि अगर आप अपने हिंदी को दिन का आधा घंटा दे देंगे तो आपको बोर्ड तक भी कोई परेशानी नहीं आएगी और पूरे नंबर मिलेंगे आपको हिंदी में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।